ओम श्री गणेशाय नमः। आइए श्रवण करते हैं पूर्णमासी व्रत कथा। पूर्णमासी व्रत कथा से सभी प्रकार की कामनाएं पूर्ण होती हैं तथा लक्ष्मी नारायण गौरी शंकर भगवान की कृपा भी मिलती है। पूर्णमासी व्रत कथा पूर्णिमा के दिन जरूर ही सुनना चाहिए। कथा इस प्रकार है, द्वापर युग में एक समय की बात है, यशोदा माँ ने कृष्ण भगवान से कहा कि हे कृष्ण, तुम सारे संसार के उत्पन्न करता पोषक संहार करता हो, आज कोई ऐसा व्रत बताओ जिससे स्त्रियों को विधवा होने का भय ना रहे, मनुष्य की कामनाएं पूर्ण करने वाला व्रत बताओ। भगवान बोले, हे माँ, बहुत अच्छा प्रश्न किया है, मैं विस्तार से कहता हूँ। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्री को 32 पूर्णमासी व्रत पूर्ण करना चाहिए। इससे सौभाग्य अचल प्राप्त होता है, भक्ति बढ़ती है, धन धान्य की वृद्धि होती है। भगवान श्री कृष्ण बोले, इस भूमंडल पर एक प्रसिद्ध राजा चंद्रहास से पालित अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कादिका नाम की एक नगरी थी। वहाँ पर धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण था और उसकी स्त्री अति सुशीला रूपवती थी। दोनों ही बड़े प्रेम से रहते थे, कोई कमी नहीं थी, परंतु संतान न होने के कारण बड़े दुखी थे। एक समय एक बड़ा तपस्वी योगी नगरी में आया। वह ब्राह्मण के घर को छोड़कर अन्य सब घर से भिक्षा लेता, रूपवती से भिक्षा ना लेता था। उस योगी ने एक दिन रूपवती से भिक्षा ना लेकर किसी अन्य घर से भिक्षा ले जाकर गंगा के किनारे खा रहा था, तो धनेश्वर ने योगी का ये सब काम देख लिया। अपनी भिक्षा के अनादर से दुखी होकर धनेश्वर बोला, महात्मन, आप सब घर से भिक्षा लेते हो परंतु मेरे घर की भिक्षा नहीं लेते, इसका क्या कारण है? योगी ने कहा, निसंतान के घर की भीख पतितों के तुल्य होती है, जो खाता है वह भी पतित होता है, तुम्हारे संतान है नहीं, इसलिए मैंने भिक्षा नहीं लिया। धनेश्वर यह बात सुनकर बड़ा दुखी हुआ, बोला कि हे महात्मन, मुझे पुत्र प्राप्ति का उपाय बताइए, मेरे यहाँ कोई कमी नहीं है, लेकिन संतान ना होने के कारण बहुत दुखी हूँ और आप सामर्थ्यवान हैं। योगी बोला, तुम चंडी माता की आराधना करो और जंगल जाओ। अपनी पत्नी से घर जाकर सारी बात बताई, जंगल गया और चंडी माता ने स्वप्न में 16वें दिन दर्शन देकर कहा, हे धनेश्वर, पुत्र होगा लेकिन उसकी आयु केवल 16 वर्ष की होगी, परंतु तुम पति पत्नी 32 पूर्णमासी पूर्ण कर लोगे तो फिर तुम्हें दीर्घायु पुत्र प्राप्त होगा। भगवान शिव का पूजन करना, पूर्णमासी को 32 जरूर करना। प्रातः तुम्हें स्थान पर एक आम का वृक्ष दिखाई देगा, उस पर फल तोड़कर अपनी पत्नी को ले जाकर देना। ऋतु स्नान के बाद वो खा ले, शिव गौरी शंकर की कृपा से तुम्हें सुंदर संतान होगी, पुत्र मिलेगा। और प्रातःकाल जब उठा तो आम का वृक्ष देखा, वृक्ष पे चढ़कर उस फल को तोड़ने का प्रयास किया, नहीं तोड़ पाया तो गणपति भगवान का विघ्नहरण महाराज रिद्धि सिद्धि देने वाले को मन में प्रणाम किया, जिससे गणपति भगवान प्रसन्न हुए और उस फल को वो तोड़कर लाकर अपनी पत्नी को दिया। पत्नी ने उस फल को खा लिया। माता देवी जी की कृपा से सुंदर पुत्र हुआ, नाम रखा देवीदास। माता पिता के हर्ष और शोक के साथ वह बालक शुक्ल पक्ष की भांति अपने पिता के घर में बढ़ने लगा। भवानी की कृपा से बहुत ही सुंदर सुशील विद्या में पढ़ने में निपुण हो गया। दुर्गा माँ की आज्ञा से 32 पूर्णमासी का व्रत प्रारंभ किया, जिससे उसकी आयु बड़ी पुत्र वाला हो जाए। 16वां वर्ष लगते ही देवीदास के माता पिता को चिंता हुई कि उनके पुत्र की मृत्यु ना हो जाए, इसलिए अपने मन में विचार किया कि यह कार्य अगर हमारे सामने हुई तो हम कैसे सहन करेंगे। देवीदास के मामा को बुलाया और कहा, हमारी इच्छा है देवीदास एक वर्ष तक काशी में जाकर विद्या अध्ययन करे, इसको अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, इसलिए तुम भी साथ चले जाओ।
एक वर्ष बाद लौट आना। सारा प्रबंध करके काशी पर भेज दिया। उसके मामा और वो घोड़े पर बैठकर जा रहे थे। इधर व्रत पूर्णमासी का शुरू किया। कुछ समय पश्चात मामा भांजे रात्रि में समय बिताने के लिए गांव में ठहरे हुए थे। उस दिन उस गांव में एक ब्राह्मण की अत्यंत सुंदरी सुशीला विदुषी गुणवती कन्या का विवाह होने वाला था। जिस धर्मशाला में बारात ठहरी हुई थी उसी में देवीदास और उसके मामा भी ठहरे हुए थे। संयोगवश कन्या को तेल आदि चढ़ाकर मंडप का कृत्य किया गया तो लग्न के समय धनुर्वात हो गया और वर के पिता ने अपने कुटुंबियों से परामर्श करके निश्चय किया, देवीदास मेरे पुत्र जैसा सुंदर है इसके साथ लग्न करा दूं और बाद में विवाह आदि के कार्य मेरे पुत्र के साथ हो जाएंगे। ऐसा सोचकर देवीदास के मामा से जाकर बोला, तुम थोड़ी देर के लिए अपने भांजे को हमें दे दो जिससे विवाह आदि का कार्य पूर्ण हो जाए। तब मामा बोला कि जो दहेज मिलेगा वो हमें मिलना चाहिए। यह बात वर के पिता ने स्वीकार कर ली और अपने भांजे को वर बनने को भेज दिया। विवाह आदि कार्य सब संपन्न हुआ। रात्रि में विधि पूर्वक पत्नी के साथ वो बड़ा दुखी था। मन में सोच रहा था, पता नहीं किसकी पत्नी होगी। वह एकांत में निश्वास छोड़ रहा था, आंखों में आंसू भरे थे। तब बधू ने पूछा कि आप बहुत दुखी हैं, क्या बात हुई? तब उसने उसके पिता और मामा की बातें जो भी हुई थी वर के पिता में और उसके मामा में सब बता दी। कन्या बोली कि ब्रह्म विवाह के विपरीत कैसे हो सकता है? मैंने आपको पति माना है, मैं आपकी ही पत्नी हूँ, आप ऐसा? तब देवीदास ने कहा, ऐसा ना करो, हमारी आयु बहुत कम है, हमारे बाद तुम्हारा क्या होगा? वह बोली, जैसा आपका होगा वैसा मेरा ही होगा, उठिए हे स्वामी भोजन करिए। दोनों ने प्रेम पूर्वक भोजन किया, रात्रि में सोते रहे। प्रातःकाल देवीदास ने पत्नी को 3 नगों से जड़ी अंगूठी दी, एक रुमाल, बोला, प्रिय लो इसे समझकर संकेत स्थिर चित्त हो जाओ, मेरा मरण और जीवन जानने के लिए पुष्प वाटिका लगा लो और खेलो कूदो, प्रसन्नता से रहो। जिस दिन ये सूख जाएंगे मेरा प्राणांत हो जाएगा, यदि ये हरे भरे हो जाएं तो समझना मैं जीवित हूँ। यह समझाकर वह चला गया। प्रातःकाल बाजे गाजे बजने लगे और सब बाराती मंडप में आए तो कन्या ने वर को भली प्रकार से देखा, अपने पिता से कहा, मेरा पति नहीं है, मेरा विवाह इसके साथ नहीं हुआ है, ये वही है तो बताए कि कन्यादान के समय जो मैंने आभूषण दिए थे उन्हें दिखाए, रात में क्या बात हुई हमसे इनसे वो भी बताएं। वो कुछ बता नहीं पाया और अपना लज्जित मुंह लेकर लौट गया। भगवान बोले, कृष्ण हेमा, इस प्रकार देवीदास काशी विद्याधन के लिए गया। कुछ समय बीत गया तो काल की प्रेरणा से एक सर्प रात्रि के समय डसने के लिए आया। उस विषधर के प्रभाव से शयन के स्थान चारों ओर विष की ज्वाला से विषैला हो गया, परंतु व्रतराज उसकी माता ने 32 पूर्णमासी पूर्ण किया था, इसलिए काल भी वहाँ कुछ भी ना बिगाड़ पाया। वह पृथ्वी पर मूर्छित होकर गिरा ही था। भगवान शंकर आ पड़े। उनको मूर्छित दशा में देखकर माता पार्वती ने कहा, इसकी माँ ने पूर्ण किया है व्रत और फिर भगवान शिव को प्राणदान देना ही पड़ा। उधर उसकी स्त्री काल की प्रतीक्षा कर रही थी, जब देखा पत्र पुष्प सूख गए हैं तो बड़ी परेशान हुई और जैसे हरे भरे हुए वो जान गई जीवित हैं। कहा, उनको ढूंढिए। जब 16 वर्ष व्यतीत हो गया तो देवीदास भी अपने मामा के साथ काशी से चल पड़ा। इधर उसे ससुरादि ढूंढने के लिए अपने घर से जाने वाले थे कि दोनों मामा भांजे आ गए। उनको आया देख ससुर बड़े प्रसन्न हुए। सारे नगर के निवासी एकत्रित हुए। सभी ने निश्चय करके कहा, हाँ यह वही है जिसके साथ विवाह हुआ था। बड़ा आनंद हुआ। कुछ समय के बाद अपनी पत्नी मामा के साथ ससुर के घर से बहुत सा दान दहेज देकर के अपनी बेटी को विदा किया। मामा के साथ जब गांव के नगर निकट पहुंचा तो लोगों ने देखकर जाकर उनके माता पिता को पहचाना बताया तो उन्हें विश्वास ना हुआ, परंतु लोगों ने कहा, हाँ भाई बात सही है, आपका बेटा मामा और बहू के साथ आ रहा है और इधर आकर के फिर पीछे से प्रणाम किया। देख करके दोनों के आंखों में आंसू भर आए और पुत्र पुत्र वधु के और साले की आने की खुशी में बड़ा भारी उत्सव किया और ब्राह्मणों को बहुत सा दान दिया। भगवान श्री कृष्ण बोले, इस प्रकार धनेश्वर 32 पूर्णमासी के व्रत से पूर्णवान हो गया, पुत्रवान हो गया, पौत्रवान हो गया और सभी प्रकार की खुशियाँ आईं। जो भी नारियाँ इस व्रत को करती हैं वो जन्म जन्मांतर में
वैधव्य का दुख नहीं भोगती, सदैव सौभाग्यशाली रहती हैं। उनके जीवन में धन धान की कोई नहीं कमी नहीं रहती है, उनका सौभाग्य चल रहता है, उनके घर में शांति रहती है, सुख रहता है, समृद्धि रहती है। पूर्णमासी के दिन भगवान गौरी शंकर की पूजा करना चाहिए, व्रत करना चाहिए और 32 पूर्णमासी हो जाने पर ब्राह्मण को दान देना चाहिए, भोजन कराना चाहिए, वस्त्र उपहार आदि देना चाहिए। इस तरह से व्रत पूर्ण करना चाहिए। भगवान गौरी शंकर की कृपा से जीवन में सभी प्रकार की कामनाओं की पूर्ति होती है। इस दिन भगवान की पूजा अवश्य करनी चाहिए। आटे के दिए सायंकाल के समय भगवान शंकर के मंदिर में जलाना चाहिए। आप सभी पर देवादिदेव महादेव भगवान शिव शंकर की कृपा बनी रहे। महादेव आप सभी का सदैव कल्याण करें। हर हर महादेव। ओम नमः पार्वती पतये।